हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में, उसकी टेंटेटिव डेट 17 से 20 अक्टूबर 2020 है। तो जो लोग भी कोपा ट्रेड से ये आईटीआई टीयू का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए मैं बुक्स वगैरह आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन सी बुक्स वगैरह बेस्ट रहेंगी। तो इसमें दो बुक्स मैंने चूज़ करी हैं, जिसमें सेकेंड नंबर पर है ये कोपा फर्स्ट ईयर, ये ट्रेड वाइज है आईटीआई के लिए, जो एनसीवीटी कोर्स वगैरह होता है उसके अकॉर्डिंग है। तो ये है नीलकंठ पब्लिकेशन की, ठीक है, एन के यानी कि नीलकंठ पब्लिकेशन की ये बुक है। तो आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। तो इसमें भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू मिल जाएंगे आपको, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में भी रहेगी। तो जो जिस मीडियम से वो परचेज़ कर सकता है उसका, ये ऑनलाइन भी आप लोगों को मिल जाएगी और ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बुक बेस्ट रहने वाली है क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो ये सेकंड बेस्ट बुक है। और अगर आप लोग दूसरी बुक खरीदना चाहते हैं तो दूसरी बुक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जिसमें ये है कंप्लीट ट्रेड क्वेश्चन बैंक कोपा ट्रेड से, ये है जूनियर इंस्ट्रक्टर टीओ के लिए, ये अलग से ही है और है ना ये, और साथ में इससे आपकी बहुत सारी अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो सकती है। इसमें देखिए आप, तो ये है जो वो है ये आरपी पब्लिकेशन की, तो ये जयपुर, ये है सियोर सक्सेस है ना कॉम्पिटिशन सीरीज़ की ये, तो ये आप लोग परचेज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये अगर आप लोग चाहें तो इसे बुक परचेज़ कर लें, इस बुक को, ये जूनियर इंस्ट्रक्टर टीओ की मतलब ये है। तो इसमें आपको पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिल जाएगा और इसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये बुक आप चाहे तो ये भी परचेज़ कर सकते हैं, आप लोग दोनों चाहें तो दोनों परचेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों जैसे CPCT वगैरह का एग्ज़ाम पेपर दिया है मध्य प्रदेश का, तो आप लोग उन्हें अगर उसकी बुक्स वगैरह खरीदी है तो वो भी सफिशियंट है, क्योंकि उसमें भी आप लोग देखेंगे कि जो सिलेबस है कोपा ट्रेड का, तो कोपा ट्रेड आईटीआई एग्ज़ाम के लिए, तो वो सिलेबस भी CPCT वगैरह एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस के ही अकॉर्डिंग उसमें भी क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तो वो बुक्स भी बेस्ट हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोग किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए और जिसमें साथ में थ्योरी और प्लस MCQ भी होना चाहिए, तो वो सही रहती है बुक्स, ठीक है। तो ये जो बुक है ये एक अच्छी बुक है, बेस्ट बुक है आप लोगों के लिए, तो इसे परचेज़ कर लें। अदरवाइज़ आप इसे कर लें या फिर दोनों को भी कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। बाकी नॉन टेक के लिए भी मैंने बुक्स वगैरह बताई हुई हैं आप लोगों को, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर MPITITO 2020 करके ग्रुप पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो उस पर आप लोग जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं और अदर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। नॉन टेक के कुछ मतलब वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग उस लिंक पर जाकर भी प्लेलिस्ट की वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।